Hello everyone, welcome back to Marine Book 28 YouTube channel. If you are new on this channel, please subscribe it and press the bell icon for the latest videos. आज हम लोग फ्यूल ऑयल सिस्टम के बारे में बात करेंगे. यहाँ पे फ्यूल ऑयल सिस्टम टिपिकल टू स्ट्रोक डीजल इंजन का, ओके, जो स्लो स्पीड डीजल इंजन जो होते हैं उनके हम फ्यूल ऑयल सिस्टम के बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे. तो फ्यूल ऑयल सिस्टम बेसिकली कैसे काम करता है, तो यहाँ पे हम देखेंगे अभी फ्यूल ऑयल सिस्टम कैसे काम करता है उसके बारे में. अरे ये तो सेव हो गया, इस पर चलेगा, इरेज नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं. यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डबल बॉटम टैंक है. ये है डबल बॉटम टैंक, ओके, ये डबल बॉटम टैंक है और ये डबल बॉटम टैंक के अंदर में है फ्यूल ऑयल. ओके, क्या है ये? फ्यूल ऑयल है. डबल बॉटम टैंक के अंदर में क्या है? फ्यूल ऑयल है. यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, डार्क कलर लेता हूँ, थोड़ा थिकनेस बढ़ा लेता हूँ इसकी, फिर शुरू करते हैं. ओके, तो यहाँ पे क्या है, डबल बॉटम टैंक के अंदर में फ्यूल ऑयल है और यहाँ पे एक हीटर लगा हुआ है, ये दिख रहा है कुछ साइड में, ये हीटर है और ये हीटर क्या काम करता है, ये फ्यूल ऑयल को हीट करता है कोल्ड क्लाइमेट में. जब मौसम ठंडा होता है तो वहाँ पे विस्कोसिटी जो होती है फ्यूल की वो कम हो जाती है, तो फ्यूल जमने लगता है, मतलब गाढ़ा हो जाता है, इसकी वजह से कंबसन अच्छा नहीं होगा. तो हम विस्कोसिटी को मेंटेन करने के लिए हम यहाँ पे फ्यूल को हीट करते हैं, ठीक है. फिर ये यहाँ पे एक जो ये दिख रहा है बॉक्स दिख रहा है आपको, ये छोटा वाला, ये है स्ट्रेनर, ओके, ये स्ट्रेनर है. ये डबल बॉटम टैंक है, यहाँ पे स्टोरेज टैंक जिसको हम बोलते हैं फ्यूल ऑयल का, यहाँ से ये ऑयल की सप्लाई ऐसे करके ये जाती है ट्रांसफर पंप के पास में, और ये पंप क्या करती है, इनको ट्रांसफर करके कहाँ भेज देती है, ऑयल को सेटलिंग टैंक में भेज देती है. सेटलिंग टैंक में भी हीटर लगा हुआ है, देखो यहाँ पे. अब ये हीटर क्या करता है, ये हीटिंग का काम करता है यहाँ पे, ओके. और सेटलिंग टैंक का काम क्या होता है, ये क्या करता है, जो सॉलिड इम्प्योरिटीज होती हैं, जो सेडिमेंट्स होते हैं, सॉलिड सेडिमेंट्स जो होते हैं, उनको ये सेटल डाउन कर देता है बॉटम पे. यहाँ पे सेटल डाउन कर देगा और फिर उसके बाद में ये जो साइड में जो ये ड्रेन वॉल दिया गया है ना, ये वाला दिख रहा है आपको कर्सर के पास में, ये ड्रेन वॉल है, इसके थ्रू आप उनको जो भी पानी होगा लिक्विड, क्योंकि सेटलिंग टैंक का नाम में लिखा है सेटलिंग, मतलब सेटल डाउन करना, फ्यूल में जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे और जो हैवी पार्टिकल्स होंगे, अब अगर पानी है फ्यूल के अंदर में तो पानी भी तो ऑयल से भारी होता है ना, तो वो नीचे बॉटम पे आ जाएगा और उसको हम यहाँ पे ड्रेन वॉल के थ्रू ड्रेन कर देंगे, ठीक है. और ये है फ्यूल लाइन, यहाँ से ये फ्यूल सप्लाई, ऐसे ये पंप सप्लाई देगी कहाँ पे, प्यूरीफायर के पास में. ये दो प्यूरीफायर लगे हैं, यहाँ पे ऑयल प्यूरीफाई होगा. प्यूरीफायर क्या करता है, सॉलिड एंड लिक्विड इम्प्योरिटीज को रिमूव कर देता है और प्यूरीफाई करने के बाद में चला जाता है ये कहाँ पे, डेली सर्विस टैंक के अंदर में. और डेली सर्विस टैंक के अंदर में यहाँ पे देखो दो डेली सर्विस टैंक दिए हैं, एक ये हैवी ऑयल का है और एक ये फ्यूल ऑयल का है, मतलब डीजल ऑयल का है, ओके. तो डिपेंड्स करता है कि आप कौन सा यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ओके. यहाँ पे हम सिर्फ अभी हैवी ऑयल वाला पढ़ रहे हैं, तो ये डेली सर्विस टैंक है, इसमें भी ड्रेन वॉल दिया गया है, ओके. और यहाँ पे ये वॉल दिया गया, इस वॉल को ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे. फिर जब डेली सर्विस टैंक में से ये जाता है फ्लो मीटर के थ्रू मिक्सिंग कॉलम में. अब फ्लो मीटर क्यों दिया, ये देखो फ्लो मीटर दिया यहाँ पे, ये फ्लो मीटर क्यों दिया गया है, ये फ्लो मीटर का काम है, ये पता करता है कि कितना ऑयल कंसम्पशन हो रहा है, ओके. क्या करता है ये, कितना ऑयल कंसम्पशन हो रहा है. पेट्रोल पंप में जैसे हम पेट्रोल भरवाते हैं गाड़ी में, तब देखते नहीं है कितना लीटर पेट्रोल गाड़ी में पहुंच गया, उसी के अकॉर्डिंग ये फ्लो मीटर काम करता है. ये पता करता है कि कितना ऑयल डीजल के, सॉरी इंजन के अंदर में जा रहा है, ठीक है, कितना ऑयल हमारा खत्म हो रहा है एक दिन में. फिर ये मिक्सिंग कॉलम में जाएगा, मिक्सिंग कॉलम में भी हीटर प्रोवाइड किया गया है. ये मिक्सिंग कॉलम में जाने के बाद में, मिक्सिंग कॉलम का काम क्या होता है बेसिकली, कि एक तो यहाँ पे ऑयल आया और फिर इंजन में जाएगा और इंजन में से जो रिटर्न ऑयल जो बचता है इंजेक्टर होने के बाद में, वो वापस से फिर से मिक्सिंग कॉलम में आता है, वो यूज होता रहता है, ठीक है. तो मिक्सिंग कॉलम में से फिर ये बूस्टर पंप जो लगी हुई है दो, ये बूस्टर पंप क्या करेंगे, इसको फ्यूल ऑयल के प्रेशर को बूस्ट करेंगे, ओके. और ये कहाँ पे भेजेंगे, इंजन में जो फ्यूल ऑयल पंप लगी हुई है इंजन ड्रिवन, उसके पास भेज देंगे. इन बिटवीन क्या है, यहाँ पे देखो हीटर लगे हुए हैं जो हीटिंग कर रहे हैं, और यहाँ पे ये विस्कोसिटी रेगुलेटर, ये जो दिख रहा है ना आपको, दिस इज द विस्कोसिटी रेगुलेटर, ये विस्कोसिटी चेक करता रहता है, मतलब टेम्परेचर कंट्रोल करता है. ये क्या करता है, टेम्परेचर कंट्रोल करता है, और कंट्रोल करके टेम्परेचर को भी आगे की तरफ फ्यूल ऑयल को सप्लाई देता है, ठीक है. और यहाँ पे ये प्रेशर रेगुलेटिंग वॉल लगा हुआ है, यहाँ से जो यहाँ पे जा रहा है तो वो प्रेशर रेगुलेटिंग वॉल क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि कितना प्रेशर है यहाँ पे, ओके. और ये यहाँ पे जो नीचे की लाइन है ये प्री हीटिंग बाईपास लाइन है यहाँ पे, ठीक है. तो यहाँ पे जो रिटर्न ऑयल होगा वो वापस यहाँ से ऐसे करके मिक्सिंग कॉलम में चला जाएगा. ये मेन इंजन आपका बनाया गया है यहाँ पे, और ये नीचे की जो है वो फ्यूल पंप है, और इंजन के अंदर में ये फ्यूल इंजेक्टर्स हैं, ठीक है. तो ये इस तरह से
ये फ्यूल ऑयल सिस्टम काम करता है। वेंट्स प्रोवाइड किए गए टैंक्स में जिनके अंदर में जो प्रेशर वैक्यूम डेवलप होता है उनको रिलीज करने के लिए। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप उसको बता दीजिए, मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ओके, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।